नमस्कारम। अब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी 8.1, 10th क्लास बायोलॉजी। डिसॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। तो आप 100 मिलीलीटर पानी ले लीजिए और उसमें 10 ग्राम चीनी को घोल दीजिए। टेक 20 मिलीलीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ पिंच ऑफ यीस्ट ग्रैन्यूल्स टू इट। तो अब आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, आपने केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की लैब में देखा होगा, टेस्ट ट्यूब ले लीजिए और उसमें 20 मिलीलीटर ये ऊपर जो हमने मीठा पानी बनाया था चीनी और पानी को मिक्स करके, उसमें से 20 मिलीलीटर ले लीजिए और इसके अंदर आप एक चुटकी यीस्ट पाउडर की डाल दीजिए। तो किस तरह से, इस तरह से एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आप 20 ml वो मीठा पानी ले लीजिए और इसके अंदर आप यीस्ट ग्रेन्यूल यानी यीस्ट पाउडर डाल दीजिए। ये दुकानों से भी मिलता है यीस्ट पाउडर, क्योंकि ये डबल रोटी वगैरह बनाने में, अल्कोहल वगैरह बनाने में काम आता है, डबल रोटी बनाने बनाने में काम आता है, तो आप दुकानों से भी मिल जाता है। तो आपके आपने क्या क्या टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें वो मीठा पानी लिया और इसमें यीस्ट पाउडर डाल दिया। पुट अ कॉटन प्लग ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। तो आप एक रुई से उस जो टेस्ट ट्यूब थी उसके मुंह को बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यीस्ट जो होते हैं ना, इनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती लाइफ लाइफ के लिए। तो आप ऊपर कॉटन से उसको टेस्ट ट्यूब के माउथ को बंद कर दीजिए, ठीक है, और उसको एक वार्म प्लेस में, एक गर्म सी जगह में आप रख दीजिए। मतलब हमें कूलिंग से बचाना है, फ्रिज वगैरह में नहीं रखना, थोड़ी गर्म सी जगह पे आप रख दीजिए नॉर्मली, या कमरे में रख दीजिए। After 1 or 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip. तो आप क्या कीजिए, एक कांच की स्लाइड लीजिए और एक दो घंटे बाद उस सॉल्यूशन को रखने के लिए, एक दो घंटे बाद आप एक कांच की स्लाइड लीजिए और इस सॉल्यूशन में से एक छोटी सी ड्रॉप कांच की स्लाइड पर रख दीजिए, उस पर कवर स्लिप रख दीजिए। अभी मैं बताऊंगा कैसे। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप, और फिर उस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप में देखिए और स्टडी कीजिए। तो आपने क्या करना है, जो ये आपने यीस्ट का सॉल्यूशन तैयार किया था, इसमें से एक बूंद सॉल्यूशन की आप, ये एक कांच की ग्लास स्लाइड है, ये ग्लास स्लाइड है, ये रेक्टेंगुलर शेप की आपने जरूर देखी होगी, इस पे आप एक बूंद वो यीस्ट सॉल्यूशन का डाल दीजिए जो हमने तैयार किया था। उस यीस्ट सॉल्यूशन को आपने 1 से 2 घंटे के लिए पहले रखना है और 2 घंटे बाद आपने इसको यूज करना है। तो आपने एक ड्रॉप यीस्ट सॉल्यूशन की इस पर डाल दी और फिर उसके ऊपर आप एक कवर स्लिप ढक दीजिए। कवर स्लिप क्या होती है, वो भी कांच की एक छोटी सी प्लेट होती है, लेकिन ग्लास स्लाइड से बहुत पतली होती है। तो कवर स्लिप से क्या होता है, जो हमने हमने जो मटेरियल रखा है वो एक ही जगह पर रुक जाता है ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें, वो ज्यादा मूव नहीं कर पाता। तो आपने ये कांच की स्लाइड ली थी और इस पे हम आपने यीस्ट सॉल्यूशन डाला था एक बूंद और इसके ऊपर आपने कवर स्लिप से ढक दिया। तो जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो कुछ आपको इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। आपको उसमें राउंड राउंड से या इलिप्टिकल या अंडाकार ओवल शेप के गोले से दिखाई देंगे। ये जो गोले से होते हैं, ये क्या होते हैं, ये यीस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। यीस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई होती है, फंगस। तो अब लेकिन आप देखोगे कि काफी सारे जो गोले हैं ना, उनमें से एक छोटे सी एक ब्रांच सी निकल रही है, यानी कि एक बड निकल रही है, बड एक शाखा निकल रही है। तो ये बड क्या होती है, थोड़े टाइम बाद ये बड यहां से ब्रेक कर जाती है और ब्रेक करने के बाद ये वाला तो है एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है और ये वाला एक नया यीस्ट बन जाता है, यानी कि ये यीस्ट के 2 बेबी बन जाते हैं। तो क्या होता है, पहले एक यूनिसेलुलर यीस्ट होता है, उसमें एक छोटी सी बड निकलती है, एक शाखा निकलती है, फिर वो बड ब्रेक हो जाती है, उसमें से ये एक नया यीस्ट बन जाता है, ये एक नया यीस्ट बन जाता है। तो इस तरह ये क्या है, यीस्ट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, यीस्ट के बच्चे पैदा होते हैं, क्योंकि इसमें एक बड बनता है और वो बड फिर सेपरेट होके एक नया ऑर्गेनिज्म बनती है, इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं बडिंग। तो ये जो बर्डिंग प्रोसेस है, ये यीस्ट में होती है, ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट होता है और इसमें ना एक्स बनते ना स्पर्म्स बनते, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये है
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इस जब तो आप उस क्लास स्लाइड पर इस तरह यीस्ट देखोगे, उनकी बर्ड्स को देखोगे। अब बात आती है ऐसा होता कैसे है, क्योंकि जब हमने पानी लिया था और पानी में हमने चीनी घोल दी और फिर हमने उसमें यीस्ट पाउडर डाल दिया, तो यीस्ट को फेवरेबल कंडीशन, यीस्ट के लिए लाभदायक कंडीशन क्या है कि उसे पानी मिल जाए और फूड मिल जाए। तो हमने पानी भी डाल दिया और फूड का काम यहाँ करता है चीनी, ग्लूकोज। तो अब यीस्ट को पानी भी मिल गया, ग्लूकोज भी मिल गया। तो जब उसके लिए पानी है, ग्लूकोज है, फेवरेबल कंडीशन है, तो ये अपनी संख्या बढ़ाना चाहता है। तो यीस्ट क्या करता है, एक्टिवेट हो जाता है और रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। कैसे करता है? यूनिसेल्यूलर यीस्ट के अंदर एक छोटी सी बड बनती है, वो बड फिर टूटकर अलग हो जाती है और वो बड एक नया बेबी यीस्ट बन जाती है। तो इस तरह यीस्ट रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन की इस प्रोसेस को या इस टाइप को बडिंग कहते हैं। ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्योंकि इसमें सिंगल पेरेंट होता है, यही यीस्ट माता है, यही यीस्ट पिता है, और ना इसमें एग्स बनते, ना स्पर्म्स बनते, ना फर्टिलाइजेशन होती, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल होता है। इसमें हम कॉटन की प्लग इसलिए लगाते हैं क्योंकि यीस्ट क्या करता है, इसको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, इसलिए ये बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही रेस्पिरेशन करता है, लिविंग रहता है। यीस्ट जब आप यहां से फूड जो खाता है, यीस्ट फूड खाने के बाद यीस्ट क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल बनाता है। इसलिए जो लोग कच्ची शराब बनाते हैं, वो गुड़ है, फ्रूट्स है, उनको गला सड़ा करके अल्कोहल कैसे बनाते हैं, यीस्ट के प्रोसेस से ही बनाते हैं। यीस्ट क्या करता है, सारे फूड को खा करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल बना देता है। उसी अल्कोहल को लोग निकाल लेते हैं, उसको हम अलग अलग प्रोसेसेस में यूज करते हैं। और यीस्ट इसके अलावा एक और जगह भी काम आता है, जैसे ये डबल रोटी, केक, छोले भटूरे, उन वो बनाने में भी काम आता है। क्योंकि यीस्ट क्या करता है, इसको आटे में मिक्स कर देते हैं। अब आटे को क्या करता है यीस्ट, थोड़े से आटे को खा करके ये वहां पर गैस बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उस गैस के कारण वो आटा फूल जाता है, जिससे हमारी डबल रोटी अच्छे से बनती है। तो आप कभी डबल रोटी को बीच में से काट कर देखना, उसके अंदर आपको बीच में गैप्स मिलता है, खाली स्थान मिलता है, छोटा छोटा गैप्स मिलता है। वो गैप्स क्यों बनता है, क्योंकि यीस्ट जब उस डबल रोटी के आटे को खाता है तो उसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना देता है। फिर अब उस डबल रोटी को पका लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अल्कोहल बाहर निकल जाते हैं, और जो डबल रोटी है वो बीच में से स्पंज जैसी खाली खाली हो जाती है और हमारी डबल रोटी तैयार हो जाती है। तो इस तरह डबल रोटी है या ब्रेड्स हैं या केक हैं, तो वो उन सब में बनाने में यीस्ट का यूज किया जाता है। तो ये थी एक्टिविटी 8.1। ओके, नमस्कारम एंड ऑल द बेस्ट टू यू।